मैं समझता हूँ कि स्थिति टेंस कह सकते हैं। एलसी पे भी लगातार सीज फायर वायोलेशन हो रही है और अब आईबी पे भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायोलेशन की गई है, तो हम इसे टेंस स्थिति कह सकते हैं। आई हैव टोल्ड देम टू रिटेलिएट विद देयर फुल फोर्स, टीच देम ए लेसन। एंड हाउ इज द मोरल ऑफ द ट्रूप्स? वेरी हाई, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। समय समय पे हमने उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया है एंड वी हैव एंगेज देम, बट दे हैव मैनेज टू एस्केप। सर, ऑफ लेट वी हैव सीन इंक्रीज इन इंसिडेंट्स ऑफ सीजफायर वायोलेशन, बी इट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड नाउ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। सो व्हाट कुड बी द मोटिव बिहाइंड दिस इंक्रीज इन सीजफायर वायोलेशन? पाकिस्तान टू आंसर कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बीएसएफ अपनी तरफ से कभी इस चीज़ की पहल नहीं करती है, हम लोग हमेशा उनकी तरफ से पहल होने के बाद उनका जवाब देते हैं, बिकॉज वी आर ए पीस लविंग कंट्री, वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट ए वॉर लाइक सिचुएशन। ये कोशिश हो सकती है कि जिस जगह इन्होंने हमें एंगेज किया और हमारे हेड कांस्टेबल को वीरगति जिसकी प्राप्त हुई, उसके पास ही में एक नाला है, वहाँ से कोशिश हो सकती थी, लेकिन हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से अलर्ट थे, हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स दे आर इन प्लेस एंड वी विल एंश्योर दैट नो इन्फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस।